भारत में और दुनिया में भी राजनीतिक कारणों से मीडिया, सोशल मीडिया वगैरह का योजनाबद्ध प्रयोग करके एक ऐसी धारणा बना दी गई है कि आम लोगों को लगने लगा है जहां भी आतंकवाद है उसके पीछे मुसलमान है। आप जानते हैं कि इस्लाम और आतंकवाद दो विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं और इस्लाम की सारी शिक्षाएं आतंकवाद की विरोधी हैं, लेकिन इस्लाम की शिक्षाओं को तोड़ मरोड़ कर टेररिज्म से ऐसे जोड़ा जाता है जिससे मुसलमानों की एक भयानक तस्वीर आमजन के मन मस्तिष्क में बन चुकी है। तो आइए अब बात करते हैं दहशतगर्दी के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों की, जिसे हमेशा छिपा कर रखा जाता है, मतलब जिसका आम तौर पर प्रचार नहीं किया जाता, जबकि इस सच्चाई को भी जनता के सामने प्रस्तुत होना ही चाहिए। वैश्विक आतंकवाद डेटाबेस के अनुसार इंडिया में 2001 से 2016 तक कुल 5,825 आतंकवादी हमले हुए। इन घटनाओं की एक खास बात यह है कि इनमें से 80% अटैक्स चुनाव के समय के आसपास हुए। इस खास बात से एक समझदार व्यक्ति वास्तविकता खुद ब खुद समझ जाता है, जिसके कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक मशहूर कहावत है कि कुछ बातें अगर बिना कहे न समझी जाएं तो उन्हें बताने का कोई फायदा नहीं। खैर, इन सभी हमलों को मोटे तौर से चार प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, यानी आरोप के आधार पर ये सभी हमले इन चार प्रकार के लोगों या संगठनों ने किए हैं। नंबर एक, 42% हमले नक्सलाइट या माओइस्ट ने किए हैं। नंबर दो, 35% हमले अदर या अननोन ने किए हैं। नंबर तीन, 22% हमले सेपरेटिस्ट या सेशनिस्ट ने किए। और नंबर चार, इस्लामिस्ट पर केवल 0.93% हमलों का आरोप है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1% से भी कम के आंकड़े को 100% बनाकर सारा डिस्कोर्स चलाया जाता है और 99% घटनाओं पर जैसे कोई बात ही नहीं होती। इन सभी दुर्घटनाओं का दुष्प्रचार जिन कारणों से किया जाता है उनमें से एक लक्ष्य है इस्लाम धर्म की छवि को खराब करना, जिससे आपको इसकी शिक्षाओं से जब तक संभव हो, जितना संभव हो, दूर रखा जा सके। वे चंद लोग जो इस दुनिया को शोषण का स्थान बनाकर रखना चाहते हैं, जानते हैं कि संसार की सारी समस्याओं के हल की इस अंतिम ईश्वरीय चाबी को जब तक आमजन के हाथों से दूर रखा जाएगा तब तक ही उनका शोषण संभव है। जहां ये जनता के हाथ लगी तो कुछ वक्त न गुजरेगा कि एक एक आम आदमी न सिर्फ गरीबी रेखा से ऊपर हो जाएगा बल्कि उसकी सारी समस्याएं ही हल हो जाएंगी। ना तो उनका शोषण किया जा सकेगा, ना उन्हें अंधविश्वास में फंसाया जा सकेगा। बातें और भी हैं, लेकिन इस संबंध में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं इस्लाम के संबंध में किसी और सवाल के जवाब के साथ। अभी दयानुमति, धन्यवाद।